भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चेन्नई टेस्ट मैच का तीसरा दिन का पहला सेशन पूरे तरीके से इंग्लैंड की टीम के नाम रहा। दरअसल पहले सेशन में पहले तो भारतीय टीम ने यहां पर इंग्लिश बल्लेबाजों के दो विकेट जल्दी जल्दी चटकाए और उसके बाद जवाब में टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उसे शुरुआत अच्छी मिली, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा का बड़ा विकेट जोफ्रा आर्चर ने निकाल दिया। जोफ्रा आर्चर ने अपने स्पेल के दूसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर, यानी कि पारी के चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को बीट कराया, ऑफ स्टंप पर गेंद डाली और रोहित शर्मा विकेट कीपर बटलर को कैच दे बैठे। वहीं उसके बाद शुभमन गिल और पुजारा के बीच भी अच्छी साझेदारी हो रही थी। शुभमन गिल तो बिल्कुल सेट लग रहे थे, 28 गेंदों में 29 रन उन्होंने बनाए, 47 मिनट क्रीज पर जमे रहे, 5 चौके उन्होंने जड़ दिए थे, 103 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, लेकिन उसके बाद वो भी अपना विकेट जोफ्रा आर्चर की गेंद पर गवा बैठे, मिस टाइम कर गए गेंद को और एंडरसन ने उनका शॉट मिड विकेट पर एक शानदार कैच लपका। बड़ी बात यह रही कि अब भारतीय टीम पूरे तरीके से मझधार में फंसी है। जोफ्रा की आग उगलती गेंदों का टीम इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था। इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ने 578 रन बोर्ड पर लगाए हैं। कप्तान जो रूट ने शानदार दोहरा शतक कल यानी कि मैच के दूसरे दिन जड़ा था और तीसरे दिन अब ऐसा लग भी रहा है कि पिच टूटनी शुरू हो गई है। हैवी रोल लिया था इंग्लैंड की टीम ने सुबह ही, तो ये बात तो तय थी कि पिच की जो सतह है वो थोड़ी टूटेगी और कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी। हालांकि फिलहाल चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली वो क्रीज पर डटे हुए हैं। भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाते हैं कोहली और रोहित, तो एक तरीके से धड़कन आउट हो चुकी है और अब दिल फिलहाल क्रीज पर है। तो हम यही कह सकते हैं कि पुजारा और विराट की जोड़ी फिलहाल एक बड़ी पार्टनरशिप कर दे, क्योंकि कोई चमत्कार ही भारत को इस मुकाबले में बचा सकता है। जैसा चमत्कार ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने किया, क्या वो चमत्कार पुजारा और कोहली इस टेस्ट मैच में कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ने 578 बनाकर अपने आप को सेव कर लिया है। वहीं अब टीम इंडिया यहां पर लड़ रही है मैच ड्रॉ कराने के लिए और जिस तरीके की गेंदबाजी बेन स्टोक्स, जिमी एंडरसन, डॉम बेस्ट, जोफ्रा आर्चर की तरफ से हो रही है वो भी काफ़ी शानदार है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब टीम इंडिया को काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है, क्या इंग्लैंड की टीम यहां पर भारतीय टीम पर भारी पड़ जाएगी? क्या रोहित शर्मा का विकेट और शुभमन गिल का विकेट यहां पर टीम इंडिया को जल्दी गंवाना भारी पड़ जाएगा, वो हमें ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें कि पहले सेशन में करीब करीब 24 ओवर का खेल हुआ और 82 रन बोर्ड पर यहाँ पर लगा दिए हैं इस सेशन में, जिसमें 59 रन टीम इंडिया की पारी के हैं और बाकी 23 रन इंग्लैंड की पारी से आए थे। 4 विकेटें गिरी हैं जिसमें 2 भारत की गिरी और 2 इंग्लैंड की जब वो ऑल आउट हुए। तो ऐसे में पहले सेशन में पूरे तरीके से टीम इंडिया अब यहाँ पर परेशान है, क्योंकि अब उसके सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य है। हालांकि भारतीय टीम बहुत अलग नहीं है, 63-2 हो गया था इंग्लैंड का स्कोर और भारत 59-2 है। भारत के दो सबसे अच्छे बल्लेबाज टेस्ट फॉर्मेट में फिलहाल क्रीज पर जमे हुए हैं। भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी लंबा है, तो उस लिहाज से इंग्लैंड को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल का की विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम तो फिलहाल टीम इंडिया पर चढ़ बैठी है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।